हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकियोमनिया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइस्कोरिया वाइलोसा। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि विलेज के लोग जो थे ना अचानक ही मरने लगे थे, मीन्स विलेज के लोग अचानक ही डाई होने लगे थे। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम हम लोग का वाइल्ड वैम्प है। वाइल्ड वैम्प तो हम लोग इसको कैसे क्या कि कुछ जंगली सा चीज़ खाने के कारण गांव के लोग मरने लगे थे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि ये पॉइजनस है कि क्या है। तो वाइल्ड वैम्प पर उसमें कच्चू, उसका ऐसा जनरली उसका कच्चू है। ठीक है, ये तो कच्चू गांव में ही मिलता है तो हम याद कर सकते हैं। तो वो जो मरने भी लगे थे ना, वो मेनली कौन से लोग मरने लगे थे, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो बच्चे हो, जिनका वीक डाइजेस्टिव पावर था, मीन्स वो पॉइजन को वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो पर्सन ऑफ द फीबल डाइजेस्टिव पावर, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स आने लगा था कि जैसे ही वो लोग खाएँ खाना, मतलब मान लीजिए किसी पार्टी में गए जहाँ पर पॉइजनस खाना मिल गया था, उसके कारण क्या हुआ, फ्लैटुलेंस आफ्टर मील एंड आफ्टर ईटिंग। जैसे ही खाना खाया उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस होने लगा, स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा जल्दी असर हुआ जो कि रेगुलरली टी ड्रिंकर्स थे। ठीक है, स्पेशली टू द टी ड्रिंकर्स आर ऑफ्टन सब्जेक्टेड टू द वायलेंट कोलिक। तो गांव है, तो गांव में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले कोई बीमारी उमारी नहीं सोचते, लगता है अंधविश्वास में ब्लैक मैजिक कुछ हुआ होगा। तो वैसे ही जैसे उनका कैसा पेन होने लगा, ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमन अबाउट द अम्बलिकस। अम्बलिकस के पास ग्रिपिंग पेन होने लगा, तो लोगों को लगा कि पक्का हम लोग के ऊपर कुछ जादू टोना, कुछ डाइन भूत का हुआ है हम लोग के पास सर, इसीलिए हम लोग का ऐसा हो रहा है। ठीक है, और क्या था, वायलेंट ट्विचिंग कोलिक। ठीक है, और उसी जगह से अम्बलिकस के पास कैसा था, ग्रिपिंग पेन हो रहा था। ग्रिपिंग पेन कैसा हो गया, इसका कोई जैसे कोई इंटेस्टाइन को पकड़ लिया है और पूरा टाइटली ट्विस्ट किए जा रहा है हार्ड हैंड से। तो वही चीज़ है, इंटेस्टाइन वर ग्रिप्ड एंड ट्विस्टेड बाय अ पावरफुल हैंड। तो इसी में फिर नेक्स्ट लाइन क्या याद करना है कि कोलिक तो है बट कैसा, वायलेंट ट्विचिंग कोलिक है, अकरिंग एट रेगुलर पैरोक्सिज्म, रेगुलर इंटरवल में हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद इनका जो पेट दर्द स्टार्ट हुआ था, तो जनरली पेट दर्द का क्या होता है कि लेटने से आराम मिल जाता है या फिर पेट को दबा के अगर थोड़ा बेंड करते हैं तो आराम मिलता है, बट ये सब क्या जॉम्बीज टाइप का बन गए थे। जॉम्बीज जैसा, मतलब अब इनको आराम कैसे मिल रहा था, फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड से उनका एग्रवेट कर रहा था और लाइंग से भी एग्रवेट कर रहा था। उनको आराम कैसे मिल रहा था, ऑन स्टैंडिंग इरेक्ट एंड बेंडिंग बैकवर्ड, इससे उनको आराम मिल रहा था। ऑफकोर्स इमेजिन कि जिसका पेट दर्द कर रहा है वो एकदम पूरा सीधा या फिर थोड़ा सा पीछे होकर चल रहा, तो जॉम्बीज जैसा ही तो दिखेगा ना, तो एकदम जॉम्बीज टाइप के गाँव के लोग दिखने लगे थे। ठीक है, और उनके बाद फिर विलेज से हम लोग को और एक चीज़ क्या याद करना है कि विलेज में मेल्स जो है तो उनका कुछ भी लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट है ही नहीं, दे हैव नो फोन टीवी कुछ ऐसा नहीं है। तो उनका कैसा होता है नेचर कि उनका जो होता है ना, विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन्स ऑल नाइट आते हैं, मतलब वो लोग हमेशा बस गंदा गंदा औरतों के बारे में सोचते रहते हैं। तो इमिशन हो जाता है, इमिशन ड्यूरिंग स्लीप हो जाता है, विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन ऑल नाइट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उनका नीज जो रहेगा वीक हो जाएगा, जेनाइटल्स कोल्ड हो जाएगा, ग्रेट डिस्पोंडेंसी हो जाएगा, जो कि फॉस्फोरिक एसिड में भी और स्टाफ में भी है। ठीक है, ये सब हम लोग का हो गया। अब उसके बाद जब पुलिस आएगा, इतने लोग का डेथ हुआ है तो पुलिस तो आएगा ही, तो FMT मतलब फॉरेंसिक वाले जो लोग आते हैं तो क्या क्या देखते हैं कि वहाँ पे क्या उनका मतलब ज़्यादा इसमें कुछ ये नहीं करना है क्या कि फेलॉन्स है उनका, नेल बिटर होगा, मतलब एक होता है ना जैसे हम लोग FMT में पढ़े ना, पॉइजन के बाद कुछ सिम्टम्स आता है, तो वैसे ही उनका सिम्टम्स क्या क्या है, फेलॉन्स है मतलब फिंगर टिप्स वैसा नेल बिटर हो चुका है। ठीक है, और डिस्पोंडेंसी तो पैरानोमियल एक्टिविटी होता है ना, भूत प्रेत वाला एक्टिविटी, तो उसी से हम लोग याद कर सकते हैं पैरानोमिशिया। ठीक है, एग्रवेशन उनका कैसा होगा, लाइंग से सिटिंग और बेंडिंग डबल से उनका एग्रवेशन हो रहा, जिस चीज़ में जनरली किसी का पेट दर्द ठीक हो जाता है लेटने से, बेंडिंग डबल से, बैठने से, उसी में आराम मिलता है, बट इनका उसका जस्ट रिवर्स। और एम्बुलरेशन कैसे, उसका मोशन से है एम्बुलरेशन, मतलब चलते फिरते रहेगा। तो जॉम्बिस कैसा होता है, उनको चलना फिरना पसंद नहीं होता बट चलते रहते हैं, तो वही मतलब लड़खड़ाते चल रहे हैं बट कंपेल टू वॉक, मतलब जॉम्बिस टाइप का ही है। ठीक है, एम्बुलरेशन को कैसे मिलेगा, मोशन से आराम मिल रहा है, वॉकिंग डिफिकल्ट है, स्टिल कंपेल टू वॉक इवन दाउ टायर्ड, थक चुके हैं फिर भी उन लोगों को चलना रहता है। ठीक है, थैंक यू, इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।